अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम लोग ने बोलियन एक्सप्रेशन को क्रिएट करने के लिए दो तरीके देख लिए। एक तो लिटरल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, ट्रू और फॉल्स, अभी हम लोग ने लास्ट वीडियो में बात कर ली है। और दूसरा तरीका क्या था बनाने का, कंपैरिजन ऑपरेटर से। कंपैरिजन ऑपरेटर से भी हम लोग बोलियन एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनसे बोलियन एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, तो बोलियन एक्सप्रेशन तीन तरह की होती हैं, ये एंड और नॉट। सही, एंड और नॉट। अब इसके अंदर भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरह लेफ़्ट और राइट साइड पर कोई ना कोई वैल्यू दी जाती है। जैसे यहाँ पर दी जाती थी, लेफ़्ट साइड पर कोई वैल्यू होती थी, राइट साइड पर कोई वैल्यू होती थी। इसी तरीके से यहाँ पर भी दो तरह की वैल्यूज़ होंगी, एक्स और वाई, कोई भी वैल्यूज़ तो हो सकती हैं और आपस में कंपैरिजन किया जाएगा। सही है, अब तीनों में फ़र्क क्या होता है? देखें, एंड ऑपरेटर में ये होता है कि अगर लेफ़्ट पे जो वैल्यू है और राइट पे दो वैल्यू है, अब दो वैल्यूज़ आपस में ट्रू होनी चाहिए। यानी कि अगर हम लोग ने कंडीशन लगाई है एक्स इज़ इक्वल टू, एक सेकेंड, एक्स एंड वाई, सॉरी, एक्स लेस देन ज़ीरो एंड एक्स ग्रेटर देन फाइव, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों फुलफ़िल होनी चाहिए। यानी कि अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो इसके अंदर आंसर हमारा फिर फॉल्स ही आएगा। दोनों कंडीशन इसके अंदर ट्रू कंडीशन कब होगी? ट्रू तब होगी जब लेफ्ट, एक सेकेंड, जब लेफ़्ट कंडीशन भी ट्रू हो और राइट कंडीशन भी ट्रू हो, तो फाइनल जवाब हमारा ट्रू होगा। ठीक है, वरना इसके अलावा जितनी भी कंडीशन होगी एंड ऑपरेटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा हमें फॉल्स आंसर मिलेगा। सही है, ये है इसकी खासियत एंड ऑपरेटर की। अच्छा, अब और की क्या खासियत है और को भी देख लेते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एंड की जगह और होता, ठीक है, तो अगर और पे आउटपुट पे ट्रू कब मिलेगा, यानी कि आउटपुट उसका ट्रू कब मिलेगा? तब मिलेगा जब या तो ये एक ट्रू हो, ये एक फॉल्स हो, या ये एक फॉल्स हो, ये एक ट्रू हो। दोनों में से कोई भी एक ट्रू या फॉल्स होगी तो आउटपुट पे हमें ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, ट्रू या फॉल्स मिल जाएगा, यानी कि दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफ़िल हो गई तो आउटपुट पे हमें ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, और नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर में दो साइड पर वैल्यूज़ नहीं होती। नॉट ऑपरेटर में या तो मतलब वैल्यू दी हुई एक साइड की वैल्यू होगी, यानी कि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो अगर नॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। ठीक है, फर्क समझ में आया कि एंड ऑपरेटर के अंदर लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों पे एक एक कंडीशन दी हुई होती है। सेम काम और में भी होता है, लेकिन एंड के अंदर दोनों कंडीशन का फुलफ़िल होना यानी सही होना लाजमी है। और में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल हो गई तो आउटपुट हमें मिल जाएगा। समझ आई बात? सही, तो क्या सीखा हम लोग ने? एंड और में फ़र्क क्या होता है कि एंड के अंदर ये वाली कंडीशन, लेफ्ट वाली भी और राइट वाली दोनों ट्रू होनी चाहिए तो आउटपुट हमें मिलेगा। सही, फिर हमें कोई ना कोई आउटपुट प्रिंट मिल जाएगा, जो हम लोग ने कंडीशन रखी होगी तो आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो और में क्या होता है, या तो ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाए या फिर ये हो जाए। दोनों का पूरा होना लाजमी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई आउटपुट हमें मिल जाएगा। सही, और के अंदर दोनों साइड पे कंडीशन नहीं होती है, सॉरी, नॉट के अंदर, नॉट के अंदर या तो यहाँ पे कंडीशन है या यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी फुलफ़िल हो जाएगी आंसर हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये फ़र्क है। तो देखते हैं किसी एग्जांपल से हम लोग इसको, इस कोड को रन करवाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ने क्या कहा है, एक्स की वैल्यू क्या है, फाइव है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने फाइव कह दी। अब हम कह रहे हैं कि प्रिंट करवाओ, क्या प्रिंट करवाओ, एक्स अगर ज़ीरो से बड़ा है और एक्स टेन से छोटा है तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू फाइव है तो यहाँ अगर फाइव रख के देख ले तो फाइव ज़ीरो से बड़ा है। ठीक है, फाइव ज़ीरो से बड़ा है हमें पता है। और हमने क्या लिखा, यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ किया, तो एंड का मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों फुलफ़िल होनी चाहिए। ठीक है, तो फाइव तो ज़ीरो से बड़ा है, ये तो कंडीशन हो गई फुलफ़िल। अब ये वाली फुलफ़िल होती है कि नहीं होती, ये देखते हैं। तो यहाँ पे अगर फाइव रख के देखें तो फाइव टेन से छोटा है, बड़ा है, छोटा है, तो ये कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई।
तो आउटपुट पर हमें क्या मिला, ट्रू मिला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने बूलियन एक्सप्रेशन क्रिएट कर ली। अब हम लोग ने एक और वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर 25 वैल्यू स्टोर करवाई। अब हमने कहा है कि n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अब किसी भी ऑड नंबर का मॉडुलस लें हम 2 से, तो रिमाइंडर हमेशा बचता है। इवन नंबर होता है यहाँ पर 24 होता तो मॉडुलस नहीं बचता। मैं करके दिखा देता हूँ एक सेकेंड। 25 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 12 24, क्या रिमाइंडर बचा, 1 बचा, ठीक है। तो हमने कहा कि 1 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन तो क्रॉस हो गई, फुलफिल नहीं हुई। बीच में हम लोग ने और ऑपरेटर लगाया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं n मॉडुलस 3, तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 12 हट के 8 आ जाएगा, ठीक है। तब भी मॉडुलस 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 1 इज इक्वल टू 0, दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई। तो आउटपुट पे हमें क्या मिला, फॉल्स, क्योंकि दोनों में से कोई भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इस वजह से हमें फॉल्स मिला, ठीक है। अच्छा, एक एमसीक्यू देख लेते हैं, इसमें क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट पाइथन एक्सप्रेशन टू चेक सही। अब वो कह रहा है कि कौन सी इस पे से करेक्ट एक्सप्रेशन है जब हमें ये चेक करना हो कि एक्स 0 और 5 के बीच में है कोई वैल्यू। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5, तो हम लोग ऐसे नहीं लिखते, ये लिखने का तरीका ही नहीं है, तो इसको काट देंगे। अब दूसरा ऑप्शन जो लिखा हुआ है ये तो हम लोग ऐसे तो मैथ्स में लिखते हैं, अगर हम लोग मैथ्स में काम कर रहे हैं, इसको पाइथन में ऐसे लिखने का तरीका नहीं है, इसको भी काट देंगे। फिर थर्ड ऑप्शन में इसने ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है और, तो और में तो ये होता है कि भाई या तो ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाए या ये हो जाए, आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन हमने तो एक लिमिट दे दी है कि एक्स 0 से 5 के बीच में होना चाहिए, ऐसा ना हो एक्स 0 से बड़ा हो जाए फिर 5 से नीचे हो या ना हो, ये हमें फ़र्क नहीं पड़ता। या एक्स 0 एक्स 5 से कम हो, एक्स 5 से नीचे हो, लेकिन 0 से बड़ा हो या छोटा हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा भी नहीं है। उसने एक सवाल में लिमिट दे दी है कि एक्स 0 और 5 के बीच में होना चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए, लेफ्ट साइड वाली भी और राइट साइड वाली भी। तो हमने लास्ट ऑप्शन क्या देखा, एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड ऑपरेटर यूज़ किया यहाँ पे, क्यों, दोनों कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स लेस देन 5, तो ठीक है, 0 वाली कंडीशन भी फुलफ़िल होगी, 5 वाली कंडीशन भी फुलफ़िल होगी, तो हमारा आंसर यही होगा जो कि सवाल में पूछा गया था हमसे। इसी तरीके से कुछ ना कुछ, जैसे हम लोग ने बात की थी शुरू में स्टार्टिंग वीडियोज़ में, कि कुछ ना कुछ प्रिसिडेंस होती है कि पाइथन किस चीज़ को पहले इंटरप्रेट करता है या पहले उसको किस चीज़ को कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो प्रिसिडेंस के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि पहला तो हमेशा ब्रैकेट ही होता है, पैरेंथेसिस, जिसकी प्रिसिडेंस सबसे हाई होती है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल्स की होती है, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड की होती है, ठीक है। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन की होती है, उसके बाद अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स की होती है, सही, कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये रहे, इसकी प्रिसिडेंस होती है। फिर सिक्स नंबर पे किसकी होती है, नॉट की होती है इसकी, और सेवन नंबर पे इन दोनों की एक साथ होती है, एंड या और, जैसे प्लस माइनस की होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड की होती है, वैसे ही इन दोनों की प्रिसिडेंस होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, कोई बात अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।